अम्बाला से आए दिन नशा तस्करी के मामले सामने आ रहे हैं, तो वहीं अम्बाला सीआईए की टीम भी नशा बेचने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करती नजर आ रही है। ताजा मामले में टीम ने 3 किलो 10 ग्राम अफीम के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अम्बाला की एएसपी पूजा डाबला ने बताया कि उनकी टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि अम्बाला में बिहार से नशा लाकर बेचा जा रहा है। इस पर कार्रवाई करते हुए टीम ने जातिगढ़ के पास दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जहां उनके पास से पुलिस ने 3 किलो 10 ग्राम अफीम के साथ 80,000 की नकदी भी बरामद की है। जैसा कि आप जानते हो कि नशे के खिलाफ निरंतर हमारा अभियान जारी है और बहुत हमारी अचीवमेंट बहुत अच्छी रही है इस साल की। तो जो कल है हमारे सीआईए वन स्टाफ ने हमें सूचना प्राप्त हुई कि बिहार से जो है नशा लाके यहाँ बेचा जाता है, जिसमें से एक जो है जो आरोपी पकड़ा है वो बिहार से आता है लेके, और जो दूसरा आरोपी है वो यही जो है किराए पर रह रहा है रामदास नगर में। तो जो हमारी सीआईए वन को ये सूचना प्राप्त हुई, जैसे ही सूचना प्राप्त हुई कल हमें हमने रेड करा, तो जमीतगढ़ जो है हमारा बॉर्डर पे जो इन दोनों को हमने काबू करा, जब इनकी तलाशी ली गई तो इनके पास से 3 किलो 10 ग्राम अफीम बरामद हुई और 80,000 रुपये कैश बरामद हुआ इनके बैग से। तो दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है, पर्चा हमने दर्ज कर दिया है थाना सदर में, और जो है आज इनको आरोपियों को न्यायालय में पेश करा जाएगा, इनका रिमांड लिया जाएगा। रिमांड लेने का मकसद हमारा वही है कि इनको रिमांड पे लेके हम ये जानना चाहेंगे कि बिहार में ये कहाँ से जो है ड्रग्स लेके आ रहे हैं, कहाँ कौन इनका सप्लायर है, हम सोर्स तक पहुँचा जाएगा। क्योंकि यहाँ अभी हमने चेक करा है, जितना अभी तक हमारे पास रिकॉर्ड आया है, अभी इनके खिलाफ यहाँ कोई पर्चा दर्ज नहीं है। हम इसीलिए रिमांड पे ले रहे हैं ताकि पीछे पता लगाया जाए कि बिहार में या किसी और स्टेट में, किसी और जिले में कोई और एफआईआर इनके खिलाफ दर्ज है या नहीं, और सोर्स तक पहुंचा जाएगा कि बिहार में कहां से ला रहा है, कब से ला रहा है और यहां किस किस को बेच रहा है। वहीं पकड़े गए आरोपियों ने बताया कि वो पिछले 5-6 महीनों से अम्बाला में नशे का कारोबार कर रहे थे। उनको बिहार से अम्बाला में नशा सप्लाई करने के लिए दिया जाता था। 6-7 महीना पहले बिहार का, बिहार से आदमी हमारा कोई दिया जाता था यहाँ पर, यहीं शहर में कहाँ सप्लाई करते थे अम्बाले के अंदर में, कहाँ कौन सी इलाके में? अम्बाले शहर में करते हैं, रंजीत नगर इलाके में। कितने टाइम से कर रहे हो? 5-6 महीना पहले से। उधर कहाँ जा रहे हैं? जमींदार वहाँ खेती लगा रखे अपना बटाई पे, ठेका बोले के। सर मैं पहली बार आया हूँ, जगह का नाम मालूम नहीं है, मैं इनको पास आया हूँ। क्या था? 3 किलो जी, 2 किलो था मेरे पास। कहाँ से लेके आए? बिहार। कहाँ सप्लाई कर रहे हैं? ये अम्बाला में आए हैं। फिलहाल पुलिस ने दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया है। पुलिस साथ ही आरोपियों की क्राइम कुंडली खंगालने में जुटी है। आरोपी कहां कहां नशा सप्लाई करते थे और किस जगह से नशा लेकर आते थे, ये तो पुलिस की जांच के बाद ही सामने आएगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए अम्बाला से कृष्ण बाली की रिपोर्ट।